एन बीरेन्द्र सिंह, जो कि ये नहीं समझ पा रहे हैं कि वहाँ के हर लोगों को सामान्य तरीके से ट्रीट करना चाहिए। मेरे ख्याल से तो एन बीरेन्द्र सिंह पार्शियलिटी कर रहे हैं पूरे तरीके से। जो लड़कियां हैं, ऐसा नहीं है कि उनको, इनके परिवार को सिर्फ फर्क पड़ रहा है, हम लोग को भी बहुत फर्क पड़ रहा है। हम लोग यहाँ पे बिहार में, लेकिन हम लोग को बहुत ज्यादा फर्क पड़ रहा है मणिपुर में। आज जो भी हुआ है, आज क्या, ये तो महीने पहले ही हो चुका था, वो लोग आज कवर कर रहे हैं। हम मीडिया कवरेज से पूछना चाहते हैं, जो मेजर एंकर्स हैं हमारे, वो कहाँ थे? वो सोए हुए थे क्या? क्योंकि छोटे छोटे लोग थे, वो जर्नल्स कुछ पब्लिश किए थे, हम पहले ही देख चुके थे, लेकिन ये अभी आ रहा है ये सब चीज़। तो इस पे सरकार क्या बोलना चाहेगी? वहाँ के पूरे देश को झंझोर दिया है ये मुद्दा जो है, और वहाँ के सीएम एन बीरेन्द्र सिंह, उनका तो पहले बोले कि पता नहीं उनके मस्तिष्क में क्या बात चलते रहता है, ये ऐसा कैसे बोल सकते हैं? मतलब उनको ये खुद रियलाइज करना चाहिए कि ये जो भी बात बोले हैं कि ये सामान्य घटना है। अगर ऐसा ना हो कि भगवान ना करे ऐसा कुछ हो, लेकिन उनके परिवार में अगर ये किसी के साथ घटित होता है, उस पे भी यही बोलेंगे कि ये सामान्य घटना है। मीडिया बिक चुकी है। उन लोगों को सीमा हैदर से फर्क पड़ता है, उन लोगों को मणिपुर की और मणिपुर के एथनिक प्रॉब्लम से कोई लेना देना नहीं है, मणिपुर की लड़कियों से कोई लेना देना नहीं है। वो ये सिर्फ जानते हैं कि कैसे समाज में नफरत फैलाया जाए। मणिपुर में जो घटना हुआ है, जिसको लेकर के आज पटना विमेंस कॉलेज की लड़कियां, ये हाथ में जो है तख्ती ली हुई है, ये एक तरह से पूरे देश को इस तख्ती ने शर्मिंदा किया है। क्योंकि जिस प्रकार से घटना हुआ, इसको लेकर के आप लोग जो है पट्टी बांधी हुई है, कितनी संवेदना उस लड़की के साथ है जिसके साथ ये कृत्य हुआ? हम लोग उस लड़की के साथ है, और ये बहुत ही शर्मसार कर, वहाँ की सरकार को हम दोषी मानते हैं। एन बीरेन्द्र सिंह, जो की ये नहीं समझ पा रहे हैं कि वहाँ के हर लोगों को सामान्य तरीके से ट्रीट करना चाहिए। मेरे ख्याल से तो एन बीरेन्द्र सिंह पार्शियलिटी कर रहे हैं पूरे तरीके से। जो लड़कियां हैं, ऐसा नहीं है कि उनको, इनके परिवार को सिर्फ फर्क पड़ रहा है, हम लोग को भी बहुत फर्क पड़ रहा है। हम लोग यहाँ पे बिहार में, लेकिन हम लोग को बहुत ज्यादा फर्क पड़ रहा है मणिपुर में। आज जो भी हुआ है, आज क्या, ये तो महीने पहले ही हो चुका था, वो लोग आज कवर कर रहे हैं। हम मीडिया कवरेज से पूछना चाहते हैं, जो मेजर एंकर्स हैं हमारे, वो कहाँ थे? वो सोए हुए थे क्या? क्योंकि छोटे छोटे लोग थे, वो जर्नल्स कुछ पब्लिश किए थे, हम पहले ही देख चुके थे, लेकिन ये अभी आ रहा है ये सब चीज। तो इस पे सरकार क्या बोलना चाहेगी? वहाँ के प्रधानमंत्री जी पर क्या सवाल है? कहा गया कि चुप रहे, आज कह रहे हैं कि बहुत दुख में है, पीड़ा में है। मोदी जी से तो कोई शिकायत नहीं है, लेकिन मोदी जी जो अभी विदेश यात्रा कर रहे थे, उसको थोड़ा बहुत अभी नेग्लेक्ट करके मोदी जी को इधर भी ध्यान देना चाहिए था। जो एथनिक प्रॉब्लम मणिपुर में हो रहा है, ज्यादा ध्यान देना चाहिए था। बिल्कुल, 150 लोगों की जान गई। बिल्कुल। तो क्या आपको लगता है कि पहले अमेरिका और फ्रांस दौरा जरूरी था या पहले मणिपुर दौरा जरूरी था? पहले मणिपुर का जरूरी था, कहीं ना कहीं मणिपुर का जरूरी था। वहाँ के सीएम ने कहा कि ऐसे सैकड़ों घटना हो चुकी है। आप लोग जब ये वीडियो देखी, तो आप लोग पहले नजर में जब वीडियो देखी, ये पूरे देश को झंझोर दिया है ये मुद्दा जो है, और वहाँ के सीएम एन बीरेन्द्र सिंह, उनका तो पहले बोले कि पता नहीं उनके मस्तिष्क में क्या बात चलते रहता है, ये ऐसा कैसे बोल सकते हैं? मतलब उनको ये खुद रियलाइज करना चाहिए कि ये जो भी बात बोले हैं कि ये सामान्य घटना है। अगर ऐसा ना हो कि भगवान ना करे ऐसा कुछ हो, लेकिन उनके परिवार में अगर ये किसी के साथ घटित होता है, उस पे भी यही बोलेंगे कि ये सामान्य घटना है। मीडिया पर आप लोग का क्या राय है? आप लोग पटना विमेंस कॉलेज की लड़कियां हैं, कई एंकर यहां से भी निकले। मीडिया बिक चुकी है। उन लोगों को सीमा हैदर से फर्क पड़ता है, उन लोगों को मणिपुर की और मणिपुर के एथनिक प्रॉब्लम से कोई लेना देना नहीं है, मणिपुर की लड़कियों से कोई लेना देना नहीं है। वो ये सिर्फ जानते हैं कि कैसे समाज में नफरत फैलाया जाए। मीडिया नफरत फैला रही है। बिल्कुल फैला रही है। उदाहरण को एक देने के लिए नहीं है, अभी सैकड़ों उदाहरण है। बिल्कुल, सैकड़ों उदाहरण है। मेरा आपसे ये सवाल है कि सीमा हैदर का चलो एक प्रॉब्लम है, लेकिन इसको इतना ज्यादा हाइप क्यों मिल रहा है? इसका सरकार को फैसला करना होगा, लेकिन ये मणिपुर मिलता है। बिल्कुल, डीआरपी तो मिल ही रहा है, यही तो बात है कि मीडिया बिक चुका है। मीडिया का अब कोई मॉरल नहीं रहा। देखिए, इसका कोई स्थायी रूप से एक जवाब नहीं हो सकता कि कौन खरीदा है मीडिया, और हम इस पे आंसर भी नहीं करना चाहेंगे कि कौन खरीदा है मीडिया। क्या आपको लगता है कि मौजूदा जो केंद्र की सरकार है, मीडिया उससे डरती है? मोदी जी से मीडिया डरती है? नहीं डरती। कौन मीडिया को खरीद रहा है बोले तो इसका स्थायी रूप से मेरे पास कोई जवाब नहीं है। लेकिन आपको महसूस हो रहा है कि मीडिया, हाँ वो खरीदा हुआ है। हाँ खरीदा हुआ है। क्योंकि अगर खरीदा हुआ नहीं रहता तो ऑब्वियसली कोई तो कवरेज मिलता है वहाँ पे। इतना बड़ा घटना हो चुका है, आज हम लोग देख रहे हैं, ये महीनों पहले घटित हो चुका है, कोई तो कवर करता उसको। अभी तक तो कोई कवरेज नहीं मिला। आज हम लोग यहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं उनके लिए,
आई होप कि जो मेजर एंकर्स होंगे हमारे अर्णब गोस्वामी या अंजना ओम कश्यप, श्वेता सिंह जैसे एंकर्स, वो इन चीज़ों को देखें और समझें हमारी भावनाओं को कि हमें कितना ठेस पहुंच रहा है। उन लड़कियों जिनके साथ गलत हुआ है उनकी वजह से हमें बहुत ज़्यादा ठेस पहुँच रहा है। भले ही हम बिहार के हैं लेकिन हमको बहुत ठेस पहुँच रहा है, वो हमारी बहनें थी। आप कह रहे हैं सीमा हैदर के मामले को ज्यादा तवज्जो दिया जाए, बिल्कुल, और मणिपुर के मामले को तवज्जो नहीं दिया जाए। क्या आपको लगता है कि शायद ये वीडियो वायरल नहीं होता तो इतना मामला हाइप भी नहीं होता, प्रधानमंत्री भी कुछ नहीं बोलते? ये तो पहले महीनों पहले घटित घटना है। ये वीडियो अगर वायरल नहीं होता तो कहीं ना कहीं हम खुद नहीं जान पाते इन चीजों को, कोई नहीं जान पाता इन चीजों को अगर ये वीडियो वायरल नहीं होता तो। क्या पढ़ रही है आप यहाँ? हम यहाँ पे बीए पॉलिटिकल साइंस। जी, भौतिक विज्ञान की छात्रा ने कहा कि मीडिया तो बिक चुकी है, इसमें कोई नहीं, लेकिन मेरे पास अस्थाई जवाब नहीं है। अच्छा लगा कि पटना विमेंस कॉलेज की लड़कियां संवेदनशील हैं और अपनी बात को बहुत तरीके से बता रही हैं। पॉलिटिकल साइंस पढ़ती हैं और कहना है कि मीडिया जो इस स्थिति में है, जो मेजर एंकर्स हैं वो बिक चुके हैं, और किसके हाथ बिके हैं तो नहीं बताएंगे लेकिन जरूर वो बिक चुके हैं। अगर नहीं बिकते तो सीमा हैदर का खबर इतना दिखाया जा रहा है और मणिपुर के मामले को नहीं दिखाया गया। अच्छी बात है, पॉलिटिकल साइंस पढ़ने वाली विद्यार्थी पटना विमेंस के अपने बात इन्होंने बहुत स्पष्ट रूप से रखा। फिलहाल आप जनता जंक्शन देख रहे थे।